हेलो बच्चों, जो है आज जो है टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है हमारा क्या, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन 11 का टॉपिक है आपका, जो है स्टार्टिंग है, बिल्कुल फिजिक्स का बेसिक है ना। तो उसके लिए जरूरी है क्या, ये जो एक तरीके से हम देख रहे हैं, शुरुआत ही तो कर रहे हैं अभी फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स की शुरुआत जो है उसको क्या है, हम आसानी बना देने तो ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है इस चीज को क्या है बहुत ही उस तरीके से जो है, बाहर अगर किसी पुराने बच्चे से मिलेंगे तो वो जो है इस तरीके से जो है फिजिक्स को बताते हैं। तो फिजिक्स जो है बहुत ही भाई, फिजिक्स में बहुत ध्यान रखना भाई, साइंस ले रहे हो तुम जो है फिजिक्स का ध्यान रखना, साइंस स्टफ है। तो वो जो है वो क्या है, उनका नेगेटिविटी है। ठीक, फिजिक्स से नेगेटिविटी दूर करके रखोगे, फिजिक्स को जितना ज़्यादा रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक, जितना कि आप पढ़ने से पहले, क्योंकि जिन्होंने पढ़ लिया उनको लगता है कि कुछ उनकी कुछ ना कुछ गलती रही उसमें, अदरवाइज फिजिक्स जो है बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि हम नेचुरली देखते हैं, जो हमारे आसपास जितनी भी जो है इवेंट्स होते हैं, ठीक है, बाय फोर्स हो रहे हैं या नेचुरली हो रहे हैं, उनमें फिजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक, तो फिजिक्स जो है बहुत ही आसान है, देखेंगे सब तरफ तो फिजिक्स है। ठीक, उसको हमारे को क्या करना है, स्टडी में लेकर के आना हमारे लिए, वो जो है वही जो है एक पार्ट हो जाएगा हमारे सिलेबस का। ठीक, तो फिजिक्स की जो है बात करते हैं, फिजिक्स है क्या, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो है जो भी मोशन हमारे को दिखाई दे रहा है वो किसका पार्ट है, फिजिक्स का ही पार्ट है ना। तो जो है डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन जो है बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक, जो है सिंपली किसी ने बोल दिया, जो है डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग होती है, हम उसको नेचुरली बात करें तो हमारे जो है क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर, किसका, नेचर का स्टडी है। ठीक, उसके एप्लीकेशंस, उसके लॉज, ठीक है ना। तो जैसे आपने सिंपली न्यूटन का जो है लो देखा कि हमें जो है एक एप्पल है वो गिरा तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरता है हमेशा। ठीक है, तो वो लो है, उसके जो है इवेंट जो हुआ उससे हमने क्या बनाया, उसका स्टडी बनाया, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ा, है ना। तो उस तरीके का लो है, कोई भी लो हो गया, उस लो का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है ना, उस इवेंट से रिलेटेड चीज, तो उसको क्या बोल दिया हमने, फिजिक्स बोल दिया, है ना। जैसे हमने डेफिनेशन भी लिख दिया यहाँ पर, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स, है ना, बहुत सारे इवेंट जो हुए हमारे तरफ आसपास, वो उसका स्टडी क्या है, फिजिक्स है, है ना। अब बहुत सारे इवेंट्स, एक तो मैंने जो है न्यूटन का बता दिया, एप्पल नीचे की तरफ गया, ठीक, आपके आपके अराउंड जो है अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जो एनवायरनमेंट चेंज होता है, क्या है, फिजिक्स है। इस तरीके से जो है एक जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर एक तरफ जो है हॉट एरिया हो जाता है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, पढ़ा हुआ है आपने प्रेशर का कॉन्सेप्ट, प्रेशर का कॉन्सेप्ट कैसे, एक एरिया ड्राई हो गया तो उस जगह क्या हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो हाई प्रेशर वाला जो है एरिया वो एक्वायर करता है लो प्रेशर वाले एरिया, तो उधर की तरफ क्या होता है जो है एयर वगैरह जो है उधर की तरफ फ्लो होने लग जाती है, तो मौसम उस तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक, फिजिक्स को समझने के लिए बहुत हमारे पास में जो है एग्जांपल्स है, है ना। स्पोर्ट्स, बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो जो है स्पोर्ट्स में जो है लेना भी चाहिए, ठीक है, एक हेल्दी जो है फिजिकल बॉडी के लिए स्पोर्ट्स का होना जरूरी लाइफ में, किसी भी जो है पर्सन को अपने लाइफ में एक स्पोर्ट्स सेलेक्ट करके रखना चाहिए, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वो एक ऑब्जर्वेशन मतलब कि जो है स्पोर्ट्स का जो है मतलब कि उसको आप रेगुलरली खेलें एक तरीके स्पोर्ट्स को, वो भी आपका फिजिकल बॉडी है, ऐसा नहीं कि जो है बैठ के कैरम खेलना, ठीक है ना, कैरम भी ठीक है लेकिन जो है फिजिकल वर्क के लिए ये जरूरी है, ठीक ना। फिजिकल वर्क जितना अच्छा होगा उतना ही आपका ब्रेन भी क्या होगा, शार्प होगा, इसका भी ध्यान रखें। तो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जैसे कि किसी ने बोला कि उसेन बोल्ट है, ठीक है ना, वो क्या है, दुनिया का सबसे तेज रनर है, ठीक, हमने भी कह दिया भाई रनर है, ठीक, उसने वो रनर तो बना लेकिन उसने साइंस को, उसने फिजिक्स को बहुत अच्छे,
फिजिक्स को क्या किया, बहुत अच्छे से यूज किया, वो देखें कैसे, ठीक है ना। जो है लोगों ने जो है देखें उसको ना, अगर तो उसेन बोल्ट जो है, उसेन बोल्ट जो है उसने क्या किया है, एक जो लो है हमारा, ठीक है ना, एक लो है क्या, लो ऑफ एक्शन रिएक्शन, पढ़ा है सभी ने छोटी क्लास में। एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि जितना तेज क्या होगा एक्शन होगा उसी का सेम क्या होगा रिएक्शन होगा। तो उसेन बोल्ट को देखें, जब वो दौड़ता है, ठीक है ना, तो दौड़ता है तो वो क्या करता है, अर्थ पे उतना ही तेजी से क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। जितनी तेजी से क्या करेगा वो अर्थ की सरफेस पे पैर रखेगा, उतनी ही तेजी से अर्थ भी क्या करेगी, उसको रिएक्शन देगी। रिएक्शन देगी तो क्या होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, उसने एक्शन किया, रिएक्शन क्या मिलेगा उसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो वो क्या कर पाएगा, तेजी से दौड़ पाएगा। ज्यादातर जो है सभी गेम्स में क्या है आपका यूज होता है क्या, फिजिक्स, है ना। तो बहुत जो इंटरेस्टिंग है, जैसे माइकल फिलिप्स है, मैंने पढ़ा है दुनिया का सबसे तेज स्विमर है, ठीक। उसका भी रीजन यही है, वो क्या करता है जब स्विम करता है तब अपने हाथों से पैरों से क्या करता है, ठीक है ना, वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है, तो उसको पीछे उसको क्या पुल मिलता है आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वाटर क्या करेगा, रिएक्शन प्रोड्यूस देता है, प्रोड्यूस करवाता है उसको, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है इवेंट्स है, ठीक। जेवलिन थ्रो है, जेवलिन थ्रो के लिए जो है हमारे जो है एथलीट है वो क्या करते हैं, उसको क्या करना है, किसी एंगल के ऊपर थ्रो करना है। अब ऐसे थोड़ा है कि वो ऐसे सीधे थ्रो कर देगा या ऐसे फ्लैट थ्रो कर देगा, उसको उसका फिजिक्स यूज करना है, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे आगे जाएंगे तो हमारे को पता चलेगा कि 45 डिग्री पे अगर क्या करें हम थ्रो करें तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके 45 से 40 पे भी नहीं होगा उतना, और 45 से 50 पे भी नहीं होगा, कितने 45 पे क्या होगा, मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 होता है, ठीक। तो ये सब जो है बहुत सारी जो चीजें हैं नेचर में बढ़ती चले जाए, लाइट्स है हमारे पास में, फैंस है, एसी है, ट्यूबलाइट है, ठीक है ना, सब कुछ जो है, मोटर व्हीकल है, सब में क्या है फिजिक्स है, और जबरदस्त तरीके का फिजिक्स है। जितना ज्यादा डीप में जाएंगे उतना ही ज्यादा जो है ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो उसको देखेंगे जब आगे आएगा। अभी जो है हमारे लिए क्या फिजिक्स क्या है, एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हमारे आस पास जितने भी इवेंट हो रहे हैं उन सब का स्टडी करना है हमारे, वो सभी क्या है फिजिक्स है, ठीक है। अब ऐसा है ना कि हर चीज का क्या नहीं करना, स्टडी भी नहीं करना, हर चीज की क्या नहीं करते हम, स्टडी भी नहीं करते। उसको जो है हमने क्या बनाया उसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज, क्या क्या है भाई, हमारे को कुछ ऐसा थोड़ा कि कुछ भी स्टडी कर ली वैसा नहीं, ठीक है ना। हमारे को सिर्फ किन चीज की स्टडी करना है उसी से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज बनाई है हमने, है ना, ठीक। और फिजिकल क्वांटिटीज है एक दूसरे से रिलेटेड होंगी वो देखेंगे बाद में, लेकिन फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे को फिजिक्स को पढ़ने के लिए फिजिक्स समझना आना आएगा, उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, सबसे मेन चीज वो क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स पूरा नहीं है। आपने छोटी क्लास में अभी तक मैथ पढ़ते आए हैं, ठीक है ना, मैथ के बिना फिजिक्स अधूरा है कैसे, ठीक भाई। कोई भी आपको जो है लोड है, फोर्स है, उसको मेजर करना है, ठीक है ना, तो आपको क्या आना चाहिए, फिजिक्स आना चाहिए। सिंपली आपने कहा कि फोर्स मेरे को निकालना है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपसे कह दिया कि मास तो क्या है 10 kg और एक्सेलरेशन दे दिया 2 m/s² का, ठीक है ना, तो कितना फोर्स लगा 20 N का, ठीक। कहने का मतलब क्या है, 10 × 2 तो करना ही आना चाहिए, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, बहुत सारी फिजिक्स हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है इसके साथ में, ठीक। मैथमेटिक्स से रिलेट करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ग्राफ से समझनी है, बहुत सारी चीज़ें जो है फॉर्मूला से समझनी है, ठीक है ना, बहुत सी इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है, तो उन सब के लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के बिना जो है फिजिक्स जो है कुछ भी नहीं है। अब मैथ फिजिक्स फिर तो सिर्फ उतनी से रह जाएगी जितनी आपको दिखाई देती है, ठीक है ना। उसको डेप्थ में जाकर के पढ़ना है तो किससे लिंक करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से लिंक करना ही पड़ेगा, ठीक है।
मैथमेटिक्स हमारे को आनी चाहिए। अभी इसको डिवाइड करना है, अगर मान लीजिए पावर होता, पावर क्या होता है, वर्क टेन पर यूनिट है डब्ल्यू अपॉन टी, तो वर्क पर यूनिट टाइम, तो पता चल रहा है हमारे को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 100 जूल वर्क कर रहे हैं 5 सेकेंड में, तो पावर कितनी हुई 20 वोल्ट की क्या हुई पावर। ठीक है, तो वो क्या है आपको पता कर जो है उसके लिए मैथमेटिक्स आपकी जरूरत है। वो धीरे 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 आप क्या करोगे सीखते जाओगे। मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स में भी हमारे को यहाँ पर पढ़ाई भी जाएगी, आपको ऐसा नहीं कि फिजिक्स के साथ में मैथमेटिक्स नहीं। मैथमेटिक्स जैसे मेरे आगे के लेक्चर रहेंगे उसमें मैथमेटिक्स जो है बहुत ही ब्रीफली हमारे को पढ़ना है। ठीक, वो मैथमेटिक्स जो है हम देखेंगे टाइम के साथ में। ठीक, अभी तक जो पढ़ा है वो भी है, उसके अलावा भी बहुत सारी जो है फिजिक्स में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सारी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो बात आती है इसकी, हम पढ़ने वाले क्या हैं फिजिक्स में, सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को। जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ोगे उसमें आपको सिर्फ क्या पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। समझ रहे, कहने का मतलब क्या है, हमारे को सिर्फ फिजिक्स में क्या पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही स्टडी करना है। फिजिक्स का स्टडी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का स्टडी। अब वो तो लगेगा कि भाई बहुत आसान है, ठीक है ना। ठीक, उसमें भी मैं आपको बता दूँ फिजिकल क्वांटिटीज है क्या जिसको आपको स्टडी करना है, ठीक है ना, किसको स्टडी करना है किसको नहीं करना है, ठीक है ना। तो फिजिकल स्टडी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। ये समझ में आता है कि भाई जिसको हमारे को क्या करना है मेजर कर सकते हैं अभी, उसी को क्या करना है स्टडी करना, उसके अलावा हमारे को कुछ भी नहीं पढ़ना। समझ रहे, कहना मतलब क्या, आप जो जो चीजें क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो वो क्या है हमारे फिजिक्स में का पार्ट होगी, और जिसको मेजर नहीं कर सकते वो हमारे फिजिक्स का पार्ट नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है भाई, जैसे कि मैं गया जो है कुछ भी मिल्क लेने गया, तो उसको क्या कर सकते हैं हम वेट के फॉर्म में लीटर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। कोई कपड़ा सिलवाने गए, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं, विड्थ को मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो वो सब जो है उसका स्टडी कर सकते हैं, स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, करंट कितना पास हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक। फिर कि मेजर किसको नहीं कर सकते वो सुन लें, ठीक है ना। जैसे इमोशंस जो होते हैं, क्या होते हैं इमोशंस जो होते हैं, उनको क्या नहीं कर सकते हम स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है ना। कोई सैड है, सैड बैठा हुआ है, आपको लग रहा है कि सैड है, वो क्या पता आपको कि वो जो मन ही मन मुस्कुरा रहा हो, ठीक है। तो वो जो है क्या है, आप उसका स्टडी नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है ना। कोई हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इमोशंस जो होते हैं, ब्रेव है, ब्रेवरी है उसकी, ठीक है, उस तरीके की जो इमोशंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्या नहीं कर सकते हम स्टडी नहीं कर सकते। तो वो जो है हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे भी, ठीक है, वो क्या नहीं होंगी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिनको क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं, वो क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटी, उसके अलावा हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उनको हमें स्टडी भी नहीं करनी, ठीक है। तो हमने क्या करा कि इसको क्या करें डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। डिवाइड करें आप, दो पार्ट में डिवाइड करा आपने, एक तो क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी क्या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी दो आपके टाइप रहेंगे, ठीक है। फंडामेंटल क्या होगी, फंडामेंटल वो है जो कि आप क्या है आपकी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरी क्वांटिटी पे क्या नहीं करेगी डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। वो क्या होगी फंडामेंटल हो जाएगी। जैसे कि क्या है, हमने एग्जांपल लिया किसका, मास का, क्या लिया मास लिया। तो मास क्या है भाई, किसी बॉडी का मास क्या इंडिपेंडेंट है भाई, वो कहीं पे भी जाए, ठीक है ना, यहाँ पे जा रहे हैं चाहे से जो है आप दिल्ली में जा करके या राजस्थान में जा करके एमपी में जा करके कहीं भी आप मेजर करें उसका उसका मास क्या है इंडिपेंडेंट है, वो क्या नहीं हो रहा वेरी नहीं हो रहा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मून पे तो चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होता कभी भी, वेट चेंज होता है, ठीक है ना, वेट अलग क्वांटिटी है, मास अलग क्वांटिटी है, ठीक है ना। मास क्या है आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा आपका कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक, डिपेंड भी नहीं करेगा किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है, कि लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ना,
किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, मास क्या होता है किलोग्राम, ठीक, कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता है, जो है मास वो है, ठीक, चेंज मतलब दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना, चेंज की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे, डिपेंड करने की, ठीक है, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। उसी तरीके से लेंथ, लेंथ भी क्या नहीं होती, डिपेंड नहीं करती किसी को, किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, 1 मीटर है तो 1 मीटर है उसका, दूसरे से चेक भाई स्पीड से क्या मतलब है उसका, अगर हम देखें कोई कहे कि स्पीड से लिंक है क्या उसका, स्पीड से लेंथ का क्या लिंक है, नहीं है, ठीक है ना, वैसे मास का भी स्पीड से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, मास का फोर्स से क्या लिंक, नहीं है कोई भी लिंक, ठीक, मास लेंथ अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वैसे टाइम भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी भी चीज का क्या नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता टाइम का, ऊपर प्रेशर टेम्परेचर इन सब चीजों का कोई फर्क पड़ता है क्या, मास के ऊपर फर्क पड़ता है क्या, लेंथ के ऊपर फर्क पड़ता है क्या, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर क्या नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलते हैं, किस तरह की क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और भी है 7 टाइप्स की है, वो अभी हम जो है यूनिट के साथ यूनिट पढ़ेंगे तो उसके यूनिट के साथ में जो है डिफाइन कर लेंगे, अभी हम जो है उसको देख लेंगे, ठीक। इसके बाद में आती है आपकी क्या, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, फंडामेंटल क्या थी आपकी, जो कि डिपेंड करती थी किस पर, फंडामेंटल क्या थी, जो इंडिपेंडेंट थी, किसी पर डिपेंड नहीं करती थी, डिराइव क्या होगी, जो डिपेंड करेगी, और वो डिपेंड किस पर करेगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, कहने का मतलब क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी होगी जो कि फंडामेंटल पर डिपेंड करेगी, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ आपको, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे तो अभी तक ये लिखा था, पावर लिखा था मैंने, ये भी क्या है आपकी डिराइव है, फोर्स भी क्या है डिराइव है, ये मास पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, इसलिए क्या ये फोर्स क्या हो गया आपका, डिपेंड कर रहा है, तो डिराइव क्वांटिटी हो गया। सिंपल एग्जाम्पल लें अगर हम, स्पीड वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, लेंथ में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ हो गया और टाइम, तो मतलब कि स्पीड जो है एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी और टाइम पे भी, ठीक है, तो डिपेंड करेगी, अगर कोई क्वांटिटी डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटी पे तो वो क्या हो जाएगी आपकी, डिराइव क्वांटिटी। अभी जैसे कि मैंने क्या ले लिया आपका, फोर्स ले लिया, वो क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो मास पे डिपेंड करे, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करे, इसलिए फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं, डिराइव क्वांटिटी है ना। वैसे क्या है, एक जो है कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी, जैसे एरिया है, एरिया है, एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना, बहुत से बच्चे क्या है इसको, भाई लेंथ क्या है, एक जो है फंडामेंटल क्वांटिटी, विड्थ, विड्थ भी तो एक तरह की लेंथ ही होती है, विड्थ भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, मीटर में मेजर करते हैं लेंथ को भी और विड्थ को भी, तो एक तरह की विड्थ भी क्या है, लेंथ ही, तो कह रहे हैं कि भाई ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल, तो फंडामेंटल है तो क्वांटिटी होगी एरिया भी, क्या कह रहे हैं कि ये लेंथ है और ये लेंथ है, अगर एक से ज्यादा क्या हो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, इसका ध्यान रखें ना। इसी तरीके से वॉल्यूम भी हो जाएगा, लेंथ विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ठीक है ना, ये भी लेंथ, ये भी एक तरह की लेंथ है, ये भी क्या एक तरह की लेंथ है, तो ये तीनों क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसलिए क्या होगी, इन सभी से मिल करके बनी है ना, इसलिए क्या होगा वॉल्यूम भी क्या होगा आपका डिराइव क्वांटिटी हो जाता है ना। तो ये तो रही किसकी बात, क्वांटिटीज की बात, कुछ अगर कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट में लिखें, उसके बाद में देखते हैं क्या आपकी यूनिट्स क्या होते हैं। अभी तो सिर्फ क्या है, फिर जो है कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़नी है, अब उनकी यूनिट्स क्या होंगी, है ना, यूनिट होती क्या है, उसको जो है किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या टाइप होता है उसके, वो सब देखते हैं अभी।
तो हम बात कर रहे थे किसके यूनिट्स के। यूनिट्स क्या है जिसमें क्या करते हैं हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। ऐसा क्या जैसे कि हमारा लेंथ है, लेंथ को मेजर करना है किसमें, मीटर में मेजर करते हैं ठीक है, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो ये क्या हुई इसकी यूनिट हुई नहीं, लेंथ को मेजर करने की जो किस चीज में हम मेजर करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो जो है उसका। अब ऐसा नहीं है ना कि जो है मैं जो है कोई भी मैंने स्टूडेंट को भेज दिया कि भाई जा 2 किलो शक्कर लिया ठीक, तो मैंने भाई मैंने बोला ना कि मास जो है मास की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या ली हमने केजी भाई 2 केजी ठीक, तो उसके लिए जो क्या यूज किया हमने एक यूनिट यूज किया है मास को मेजर करने के लिए, एक क्या यूज की यूनिट यूज की है वो क्या है केजी नहीं। अदरवाइज अब क्या होगा जैसे मैंने उसको बोल दिया कि भाई 2 केजी शक्कर ले आना ठीक, तो वो गया दुकान पर, दुकान पर जाकर के बोला कि जो है रस्ते में जाते जाते क्या हो गया भूल गया कि जो है यूनिट भूल गया उसकी क्या मास की यूनिट भूल गया, तो वो जाकर के क्या बोलेगा कि दो तो बोल देगा लेकिन यूनिट भूल गया कि भाई 2 केजी की जगह बोल दे 2 मीटर शक्कर दे देना कैसा लगेगा, या 2 लीटर भी भूल गया सिर्फ बोला कि 2 दे देना तो 2 दे देगा फिर उसको है ना, तो 2 देने का मतलब तो जो है वो जो है जूते भी दे दे थप्पड़ भी दे दे ठीक, कुछ भी दे सकता है 2 का मतलब, तो वैसा नहीं है। हमारे को क्या यूज करना है उसकी यूनिट यूज करनी है, यूनिट यूनिट जो है हर जो है फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड जो है ऐसा ही सिस्टम होता है हमारे पास में, उसने डिफाइन की हुई है कि आप जो है अलग अलग मेजरमेंट जो है सिस्टम है उसके अंदर जो है अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिंपली, फिर उसमें मेजरमेंट सिस्टम देख लेंगे बाद में, तो हमारे को पता चलेगा हमारे को किस किस तरीके से जो है सिस्टम यूज करना है। अभी जो है फिलहाल हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमारे को मेजर करना है तो किस में मेजर करेंगे, उसकी यूनिट्स की फॉर्म में ठीक। अब जो ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होता है प्रोडक्ट होता है किसका, मैग्नीट्यूड और यूनिट का ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट मीन्स जैसे कि मैंने बोला कि मास जो है ठीक है मास किसी भी जो है मैंने बोला 2 केजी शक्कर तो क्या है 2 केजी बोला ना मैंने मीन्स क्या था मैग्नीट्यूड था ठीक है 2 केजी यूनिट तो मास यूनिट हो गया केजी 2 केजी है तो क्या मैग मैग्नीट्यूड मीटर क्या हो गया यूनिट ठीक। तो हमारे को इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट का, मैग्नीट्यूड और यूनिट का क्या होता है हमेशा प्रोडक्ट होता ही होता है ठीक। कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसकी आपकी यूनिट नहीं मिलेगी, वो आप जो है टाइम के साथ में देखते जाएंगे, फिलहाल आपको ऐसी यूनिट मिलेगी ठीक। अब यूनिट भी क्या है, आप थोड़ी ये वेरिएबल होती है ना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ देखना ना, जैसे कि एक कोई 1 केजी था क्या कह रहे हैं 1 केजी है, 1 केजी को आप क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं क्या, 1 केजी को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स ठीक। तो इसको देखें आप, ये 1 है, ये क्या हो गया 1000, 1 को किससे रिप्लेस कर दिया आपने 1000 से, मतलब ये छोटा था इसको क्या कर दिया आपने बड़ा, इसको बड़ा किया ना आपने, 1 को क्या किया इंक्रीज करके क्या कर दिया 1000 ठीक। लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल है ना,
अब दोनों को इक्वल करने के लिए आपने वन को तो क्या कर दिया था, थाउजेंड कर दिया था, तो आपको क्या करना था, इसको भी रिड्यूस करके क्या करना था, छोटा। अभी हम देखें कि केजी जो है क्या है, बड़ी यूनिट है, ग्राम क्या है, छोटी यूनिट है। केजी क्या है, मास की ही एक बड़ी यूनिट है, और ग्राम क्या है, एक छोटी यूनिट है। तो हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, क्या किया, मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, तो यूनिट क्या होगी, डिक्रीज होगी। यूनिट क्या डिग्री जो ना, केजी की जगह क्या आ गई, ग्राम आ गई। ठीक, एक ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले भी, ठीक है, कंपटीशन वगैरह में, कि अगर हम मास को, मैग्नीट्यूड को एन से रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करें, एन से, और यूनिट को यू से रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या हो जाता है, एन वन, और ये क्या हो जाता है, यू वन। इसी तरीके से दूसरे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एन टू, और यूनिट क्या होगी, यू टू। ठीक, इन जनरल हमारे को ये, हम n और u ले सकते हैं, n1 n2 इन सब की जगह क्या ले लिया, nu ले लिया हमने, n into u मतलब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, ये होता ही है ना। अब ये देखें, सभी चीज तो एक जैसी है ना, कांस्टेंट है। ठीक, हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, n u क्या हो गया आपका, कांस्टेंट है, मींस 1 kg तो है, ये सब क्या है, 1 kg। यहाँ से क्या मिलेगा, n कॉन्स्टेंट अपॉन यू, कॉन्स्टेंट अपॉन यू। अब कॉन्स्टेंट अगर हम देखें, जो हम कोई भी लो पढ़ते हैं उसके अंदर हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि आई इज प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है ना, ऐसा करके ये वी इज इक्वल टू वी प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसा ओम्स लॉ में पढ़ा ना, वी प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कॉन्स्टेंट लगाते हैं, वो क्या होता है, आर होता है इनटू वाई, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट तो लगाते हैं, तो यहाँ पर है कॉन्स्टेंट को हटा कर प्रोपोर्शनल ले सकते, कॉन्स्टेंट को हटाए जो पहले सीधा करते हैं, इसको हटा कर देते हैं, तो हटा करके हम साइन कर सकते हैं, ये वाला यूज कर सकते हैं। इस बार हमारे को क्या मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मतलब कि मैग्नीट्यूड यूनिट का क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने से मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा, तो यूनिट है बड़ी, उसी को चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड बड़ा कर दिया, तो यूनिट क्या होगी, छोटी। इनवर्सली हुआ ना, इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एक को इंक्रीज किया तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक, इस तरीके से आप और भी जो है इसको चेंज करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलता जाएगा, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, आप जो है 1 लीटर तो क्या रहेगा, उसमें 1000 मिलीलीटर मिलता है, ठीक है ना, मतलब कि इसको क्या किया आपने, इंक्रीज किया, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको आपने इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज किया 1000 हो गया, ये क्या हो गया, लीटर से मिलीलीटर, मिलीलीटर छोटा होता है यूनिट, है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक, ऐसा है, तो इसका ध्यान रखें आप, ऐसा है। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। ठीक, टाइप्स ऑफ यूनिट, अब देखें इसमें, जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी वैसी क्या हमारी उसकी यूनिट होगी, भाई फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, डिराइव यूनिट। ठीक है, तो दो टाइप हो जाएंगे आपके पास में, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होंगे, एक तो होगी क्या, फंडामेंटल यूनिट, दूसरी क्या होंगी, डिराइव यूनिट। ठीक है, आप इसको इसका क्या करें, आप जितने भी जो टॉपिक होते हैं ना, जो भी लिखा हुआ है, उन सबको क्या करें, पोज कर लें एक बार, और पोज करने के बाद में नोट डाउन करें। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ठीक, ऑनलाइन जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही क्या होता है, कोई भी टॉपिक आता है कि हाँ भी आपको नोट करना है, तो उसको पोज कर लें वहीं पर, और वो क्या कर लें, वहां से नोट कर लें, क्योंकि आप, मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, आप उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आप क्या करें, पोज करके नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। तो पहले क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट, दूसरी क्या होगी, डिराइव यूनिट।
ठीक है, तो फंडामेंटल क्या होगी, यूनिट फंडामेंटल इधर लिख देगा मैं, क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अभी जो है ना ये क्या आपके, मैं जो है चार्ट बना देता हूँ आपके पास में, ताकि आपको पता चले कि हमारे पास में जो है एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट कितनी होती है, सेवन होती है, तो आपके पास में जो उनकी यूनिट है वो भी कितनी है, सेवन है, ठीक। उसको मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी यूनिट है, वो आप इसको जो है लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने लिख दिया है, ठीक। इसके बाद में फंडामेंटल यूनिट, फिर उसकी यूनिट और उसका सिंबल, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है वन बाय वन देखते हैं, सबसे पहले क्या है आपकी मास, क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या होती है किलोग्राम, क्या होती है किलोग्राम, किससे लिखते हैं आप केजी से, ठीक है, स्टैंडर्ड एसआई में बता रहे हैं आपको, स्टैंडर्ड में बता रहे हैं, फिर उसको जो है हम और दूसरी फॉर्म में बाद में डिवाइड कर लेंगे। अभी किसमें है ये मास हुई थी पहली फिजिकल क्वांटिटी, क्या थी मास, दूसरी क्या आपकी लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं आप मीटर में, ठीक, किससे लिखते हैं स्मॉल एम से। थर्ड क्या है आपकी टाइम है, टाइम को किस में मेजर करते हैं आप सेकेंड में, ठीक है, किस में एस से लिख देते हैं उसको, ठीक। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ बताता हूँ आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और उसकी यूनिट क्या रहेगी फंडामेंटल यूनिट, वो क्या आपकी टेम्परेचर की यूनिट क्या रहेगी केल्विन, ठीक है, किससे लिखते हैं कैपिटल के से। फिर फिफ्थ जो है वो क्या आपकी इलेक्ट्रिक करंट, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किससे में लिखते हैं आप, यूनिट क्या होती है एम्पियर, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है, किससे लिखते हैं कैपिटल ए से, ठीक। ऐसे ही क्या आपकी सिक्स जो फिजिकल क्वांटिटी हो थोड़ी सी जो है डिफरेंट है आपके लिए, ठीक, जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको क्या बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, लाइट से जो इंटेंसिटी आ रही लाइट की, ठीक, वो भी क्या हमारे एक फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर हमने उसको यूज किया है, ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेपरेट सेपरेट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डायरेक्ट इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं कैंडेला, ठीक है, क्या है कैंडेला, रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी डी से, ठीक है ना, ये नई तरीके की आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, ठीक, लेकिन क्या है इसको जो ध्यान रखेंगे क्या है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको कैंडेला से, सिंबल क्या होता है सी डी। लास्ट जो क्या है अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, छोटे सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि आपने गैसेस के फॉर्म में लिख लिए हैं, ठीक है ना, केमिस्ट्री में पढ़े हैं मोल्स, ठीक है ना, तो मोल जो है वो क्या है आपके अमाउंट ऑफ मैटर के तौर पे यूज किया जाता है, तो उसका यूनिट क्या होती है आपके
मोल होते हैं और सिंबल क्या लिखते हैं उसका MOL, है ना। ये बहुत कम यूज होते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक। फिजिक्स में भी थोड़ा जो इसका यूज है, ठीक, जो है क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट ऑफ मैटर, वो देखेंगे आप कौन कौन सी क्वांटिटी होगी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर, 7 फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी और उनकी यूनिट भी 7 है, ठीक। अब ये उनके सिंबल हो जाते हैं, ठीक। तो उस तरीके से जो है आप इनको ध्यान रखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट आर द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, इस तरीके से है, ठीक। बात आती है किसकी, डिराइव यूनिट्स की, ठीक। तो डिराइव यूनिट क्या हो जाएगी, जैसे सिंपल है ना, हम इसको अभी देख ही रहे हैं कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी, डिराइव यूनिट, ठीक है। डेफिनेशन क्या रहेगी, डिराइव यूनिट वो क्या रहेगी, यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज नोन एज एस डिराइव यूनिट, ठीक है। तो डिराइव यूनिट हो जाएगी, डिराइव यूनिट कैसे है आपके पास में देख लेते हैं एक बार इसको भी, जैसे कि सिंपल आप देखें फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या हो गया हमारे जो एक डिराइव क्वांटिटी है, तो उसकी यूनिट जो आएगी वो क्या होगी, डिराइव यूनिट होगी, चाहे सब क्या है वो सिंपल एक वर्ड में लिखना है ना, जैसे ये सिंगल वर्ड में लिखे ना, उसके लिए हम चाहे से बाद में लिख दें क्या न्यूटन, न्यूटन लिख देते हैं उसके लिए, तो क्या हो गया न्यूटन क्या उसकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, वो डिराइव है, ठीक। वो एक्चुअली हमारे को कहाँ से पता चलेगा, फिजिकल क्वांटिटीज से पता चल रहा है कि वो जो है डिपेंड करता है किस पे, मास और एक्सेलरेशन पे, फोर्स, ठीक। तो इसलिए क्या नहीं है वो, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, जो उसकी यूनिट है वो क्या नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं होगी कभी भी, चाहे से न्यूटन लिख दें उसके लिए, है ना। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, अभी पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं, वो क्या है, स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को किसमें लिखते हैं, मीटर, और टाइम को किसमें, सेकंड में, तो क्या हो जाती है उसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड हो जाती है, क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड, तो वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट तो नहीं है ये क्या है, डिराइव यूनिट है, फंडामेंटल मीटर पर सेकंड, मीटर पर भी डिपेंड करी, सेकंड पर भी डिपेंड करी, तो कैसी यूनिट होगी, डिराइव यूनिट, ठीक। तो इसका जो है एग्जांपल जो है ये हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे जो इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सभी क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, उसका ध्यान रखेंगे। पहले तो जो है ये मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसमें जो है और जो है थोड़ा डिटेल में जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।